ना आवेदन दिया ना सरकार ने मंजूरी दी, फिर भी खोल लिया SBI का ब्रांच। महीनों तक ग्राहकों को लगाता रहा चूना। एक गलती ने खोल दी पोल, जब पुलिस पहुंची तो भौकाल देख रह गई दंग। बैंक का लोगो लगाकर लगाया बड़ा चूना। आपके घर के पास का बैंक रियल है या फर्जी, ऐसे करे जांच। तीन लोगों ने मिलकर कैसे किया खेला, सुनिए पूरी कहानी। जरा सोचिए, जिस बैंक में आपका खाता हो वहां से आपको पासबुक, ATM, चेकबुक सब कुछ बैंक की तरफ से मिले और खाते में ट्रांजेक्शन भी नॉर्मल ही हो, तो क्या कभी आपको शक होगा कि ये ब्रांच फर्जी है? पर ऐसा हुआ है, इसलिए अगले 60 सेकंड तक पूरी कहानी ध्यान से सुनिए और फिर ये पता लगाइए कि आपके घर के पास का जो बैंक है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, कहीं उसे कुछ ठगों ने मिलकर तो नहीं खोला है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु से एक ऐसा ही केस सामने आया है। तमिलनाडु के पनरुती इलाके में करीब 3 महीने पहले तीन लोगों ने मिलकर एक बैंक खोला। किसी को शक ना हो, इसके लिए नोट गिनने वाली मशीन, प्रिंटिंग मशीन, रसीदें और चालान सब कुछ रखा था, बस किसी का खाता नहीं खोला था। मतलब ये लोग पासबुक वाला खेल नहीं करने वाले थे, बल्कि उससे भी बड़ा खेल करने की तैयारी में थे। इन्हें लग रहा था कि SBI के नाम पर मोटे पैसे जमा करने वाले लोग आएंगे, चालान रसीद सब कुछ बनाने आएंगे तो लाखों कमाएंगे। लेकिन ये आइडिया तब फेल हो गया जब एक व्यक्ति ने पुलिस को ये शिकायत दे दी कि हमें इस ब्रांच पर शक है। जब पुलिस पहुंची तो पहली नजर में वो भी चकरा गई, क्योंकि एंट्री से लेकर मैनेजर के कैबिन तक सब कुछ वैसा ही था जैसा बैंक में होता है। पर जब कड़ाई से पूछताछ की तो पूरी पोल खुल गई, और ये खुलासा इतना बड़ा है कि SBI ही नहीं बल्कि RBI के अधिकारी भी सुनकर टेंशन में आ जाएंगे। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड 19 साल का लड़का कमल बाबू है, जिसने बताया, मेरे पापा बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, इसलिए शुरू से मुझे बैंक के कामकाज की जानकारी रही है। मैंने शुरुआत में नौकरी के लिए बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो यही प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले एक व्यक्ति से कांटेक्ट किया। उसने कहा, चालान वगैरह तो छाप दूंगा, पर स्टैंप कहां से बनेंगे? उसके लिए हमने एक और व्यक्ति से कांटेक्ट किया, वो रबर स्टैंप के लिए तैयार हो गया। फिर हम तीनों ने मिलकर ये ब्रांच खोला। कमल बाबू के अलावा इस खेल में 52 साल का M. Manikam और 42 साल का E. Kumar शामिल है। इन लोगों की हिम्मत की दाद इसलिए देनी होगी क्योंकि जहां इन्होंने ब्रांच खोला वहां SBI के दो ब्रांच पहले से ही मौजूद थे। बावजूद इसके इन्होंने तीसरी ब्रांच खोली, जिसकी शिकायत एक SBI के ग्राहक ने शक होने पर असली वाले मैनेजर से कर दी। जब जोनल ऑफिसर ने आकर जांच की तो सामने का सीन देखकर आंखें खुली की खुली रह गईं। अब पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, और सवाल ये उठ रहा है कि 3 महीने तक एक शहर में एक फर्जी ब्रांच चलता रहा और किसी को इसकी खबर कैसे नहीं लगी। हो सकता है पुलिस की जांच में आगे कुछ और बड़े खुलासे हों, लेकिन फिलहाल आपको कई तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है। ये पता करने की जरूरत है कि आपके गांव के आसपास जो ब्रांच खुल रहा है वो रियल है या फर्जी। इसके लिए आप संबंधित बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वहां जाकर चेक करें कि आपके इलाके में उसके कितने ब्रांच हैं। पूरा पता आपको ऑनलाइन दिख जाएगा, जिसके बाद आप आसानी से समझ जाएंगे कि अगर उससे ज्यादा ब्रांच आपके शहर में है तो कोई ना कोई ब्रांच फर्जी जरूर है। अगर ऐसा दिखे तो तुरंत इसकी शिकायत नजदीकी ब्रांच के मैनेजर से करें, सीधा पुलिस के पास जाने की गलती ना करें, क्योंकि हो सकता है कोई बैंक नया ब्रांच खोल रहा हो और आप उसे गलत समझकर उसकी शिकायत कर दें और फिर खुद ही फंस जाएं। इसलिए शिकायत से पहले ये जरूर आश्वस्त हो लें कि ब्रांच सही है या नहीं। अगर मैनेजर से शिकायत करते हैं तो किसी तरह के खतरे की संभावना नहीं नजर आती, वैसे इस तरह के मामले कम ही नजर आते हैं। पर अब चूंकि ऐसे केस सामने आ चुके हैं तो सावधानी बेहद जरूरी है। वो तो गनीमत ये रही कि इन्होंने किसी को चूना नहीं लगाया, वरना लोग नया ब्रांच समझकर अगर खाता खुलवा लेते, पैसे जमा करवा लेते या फिर किसी और तरह से इनके साथ खेल हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? आप ये जानकारी लोगों तक पहुंचाइए और खुद भी सतर्क रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।